हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। जैसा कि गाइस कल हम लोग पढ़ लिए थे फर्टिलाइजेशन के बारे में, निषेचन के बारे में, संयुग्मन व दोहरा निषेचन, सिंगमी व डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ चुके थे। जो अब हम लोगों के पढ़ने की बारी है, जिसमें अब हम लोग सीखेंगे वह है निषेचन पश्च घटनाएं एवं संरचनाएं, पश्च फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। अब हम लोगों का जो हेडिंग है वो है पश्च फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो इसमें हमें यह देखना है कि निषेचन के पश्चात क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, जिससे बीज का निर्माण होता है, जिससे फल का निर्माण होता है, जिससे भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। तो आइए अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक इसका अध्ययन करेंगे। तो जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वह है भ्रूणकोश, एंडोस्पर्म, और जो दूसरा टॉपिक है वह है भ्रूण, कि भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, निषेचन हो गया इसके पश्चात भ्रूण का निर्माण कैसे होगा। फिर गाइस इसके बाद हम लोगों का जो तीसरा है वह है बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन, कि बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होगा जब बीज का निर्माण होगा। चूंकि गाइस आप लोग जानते होंगे कि बीज का निर्माण बीजांड में ही होता है, बीज का निर्माण गुड़ बीजाणु धान को हम लोग बीजांड कहते हैं। तो बीज का निर्माण बीजांड में होता है, तो बीज जो बनेगा वो बीजांड में ही बनेगा। तो बीज जब बनेगा तो बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जो चौथा है पुष्प से फल का निर्माण, पुष्प से फल का निर्माण इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइस अब हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वह है भ्रूणकोश। तो गाइस आइए अब हम लोग भ्रूणकोश के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पहले हेडिंग डाल ले भ्रूणकोश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोस्पर्म। गाइस यह हम लोगों का है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश का निर्माण जब अभी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में जो दोहरा निषेचन था, इसमें जो पराग नलिका से दो पालन ट्यूब में जो दो मेल गैमेट आए थे वो भ्रूणकोश में जाने के पश्चात जब वहाँ पे रिलीज हुए, जो दूसरा मेल गैमेट था वह जाकर द्विध्रुवी केंद्रक से निषेचन की क्रिया को पूर्ण किया, तो उससे जो संरचना प्राप्त हुई है, उससे जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं। आइए फिर हम आप लोगों को एक बार उसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। गाइस यह हम लोगों का स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, यह हम लोगों का स्टाइल वर्तिका, यह हम लोगों का ओव्यूल्स बीजांड ओव्यूल, यह हम लोगों का ओवरी अंडाशय, यह हम लोगों का एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश। और यह अब हम यहाँ पर कोई फॉलन ग्रेन आया और फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ से आया पालन ट्यूब बीजांडद्वारी मार्ग से एम्ब्रियो सैक में इंटर कर गया, यह आ गया हम लोगों का पालन ट्यूब में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग एंटीपोडल न्यूक्लियस प्रतिध्रुवी केंद्रक बनाएंगे। यहाँ पर था द्विध्रुवी केंद्रक, यहाँ पर दो अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका व एक अंड कोशिका थी। अब यहाँ पर जो मेल गैमिट आया, पहला जो मेल गैमिट था वो इससे फर्टिलाइज किया, जो दूसरा मेल गैमिट था वह इससे फर्टिलाइज किया, इसे हम लोग बोलते हैं द्विध्रुवी केंद्रक, इसे हम लोग बोलते हैं द्विध्रुवी केंद्रक। तो जब यहाँ से जो यह दो मेल गैमिट आया गाइस, या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया के द्वारा ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पढ़ रहे हैं,
तो जो इसमें पहला मेल गैमिट है या यहाँ पर आया अंडकोश क्या एक सेल से फर्टिलाइज किया और युग्मनज का निर्माण किया, और जो ये दूसरा मेल गैमिट है या जो मेल गैमिट या चला गया न्यूक्लियाई द्विध्रुवीय केंद्र के पास, द्विध्रुवीय केंद्र डबल न्यूक्लियाई न्यूक्लियस के पास चला गया, फिर या यहाँ पर गया निषेचन की क्रिया को पूर्ण किया, तो यहाँ से यह प्राइमरी एम्ब्रियो सैनिक न्यूक्लियस का निर्माण किया जिसे हम लोग पेन बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसे लिखते हैं, भ्रूणकोश का निर्माण द्वि निषेचन की क्रिया में जो उसका दूसरा केंद्रक होता है मेल, जो इसका दूसरा केंद्रक होता है या जाकर द्विध्रुवीय केंद्र के पास निषेचन की क्रिया करके ट्रिप्लॉयड सेंटर का निर्माण करता है जो आगे चलकर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो गाइस आइए हम लोग लिखते हैं, भ्रूणकोश का निर्माण जो दोहरा निषेचन में जो दूसरा मेल गैमिट होता है भ्रूणकोश में, पहले हम लोग जो हम लोगों का ये द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, हम लोगों का जो द्विध्रुवीय केंद्रक होता है इससे फर्टिलाइज की क्रिया करेगा, तो द्विध्रुवीय केंद्रक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। फिर इससे जो दोहरा निषेचन में आया हुआ दूसरा नर युग्मक होता है वह इससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, तो यह जो है सेकंड मेल गैमेट, सेकंड मेल गैमिट यह इससे फर्टिलाइज की क्रिया किया। आफ्टर दैट फर्टिलाइज की क्रिया करने के पश्चात यहाँ पे यह ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दिया। यह जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस है यह आगे चलकर पेन में परिवर्तित हो गया, और यह पेन आगे चलकर एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो गया। यह भ्रूणकोश यह है प्राथमिक केंद्रीय भ्रूणकोश, और यह है ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस त्रिगुणित केंद्रक, इसे लिख दें हम लोग त्रिगुणित केंद्रक, और यह है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। गाइस ये हम लोगों का प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, और यह एंडोस्पर्म भ्रूणकोश। तो इसमें भ्रूणकोश का निर्माण होता है, तो यह जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है इसका निर्माण डबल फर्टिलाइजेशन में आए हुए दूसरे नर युग्मक जब द्वितीय कोशिका से फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है तो इसके पश्चात ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है जो आगे चलकर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है, फिर जो आगे चलकर एंडोस्पर्म भ्रूणकोश का निर्माण करता है। तो गाइस यह हम लोगों का हो गया भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। गाइस यहाँ पर यह जो ट्रिप्लॉयड है इसकी पोलरिटी 3n होगा, क्योंकि जो यह सेकेंडरी सेल होता है इसकी पोलरिटी 2n होता है, और जो मेल गैमिट होता है इसकी पोलरिटी n होता है, तो फिर जब यह यहाँ पर आएगा तो इसकी पोलरिटी 3n हो जाएगी। तो गाइस अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो गाइस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, पहला कोशिकी भ्रूणकोश न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म, पहला है केंद्रीय भ्रूणकोश न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, दूसरा है कोशिकी भ्रूणकोश न्यूक्लियर
न्यूक्लिया एंडोस्पर्म, फिर तीसरा है हम लोगों का हिलोबियल ब्रूड पोस्ट, हिलोबियल ब्रूड हिलोबियल न्यूक्लियस बोलते हैं। आइए हम लोग उसे लिखते हैं जो हम लोगों का पहला है, जो हम लोगों का इसमें पहला है वह है केंद्रीय भ्रूण पोष। हम लोगों का जो पहला है वह है केंद्रीय भ्रूण पोष, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और गाइस जो हम लोगों का दूसरा है वह है कोशिकीय भ्रूण पोष। जिसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर इंडो सेलुलर 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 एंडोस्पर्म। और जो हम लोगों का तीसरा है गाइस वह है हिलोबियल भ्रूण पोष। हिलोबियल भ्रूण पोष जिसे हम लोग बोलते हैं हिलोबियल एंडोस्पर्म। गाइस यह हम लोगों का देयर आर थ्री टाइप ऑफ भ्रूण कोष। जो पहला भ्रूण कोष है उसे हम लोग केंद्रीय भ्रूण कोष बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और जो दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं कोशिकीय भ्रूण कोष, जिसे हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और जो तीसरा है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हिलोबियल भ्रूण कोष, जिसे हिंदी में हिलोबियल, जिसे इंग्लिश में हिलोबियल भ्रूण कोष ही बोलते हैं। तो गाइस आइए अब हम लोग पहला हम लोगों का जो है वह केंद्रीय भ्रूण पोष इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हम लोगों का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। गाइस कोशिकीय केंद्रीय भ्रूण पोष, केंद्रीय भ्रूण कोष वह भ्रूण कोष होता है जिसमें उसका केंद्रक स्वतंत्र रूप से ढेर सारे केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, लेकिन जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता, वे कोशिका द्रव्य में वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूण कोष को हम लोग केंद्रीय भ्रूण कोष कहते हैं। गाइस एक बार फिर से, केंद्रीय भ्रूण कोष वह भ्रूण कोष होता है जिसमें उसका केंद्रक मुक्त रूप से ढेर सारे केंद्रकों में विभाजित हो जाता है तथा उसके केंद्रक के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता है, तो उसे हम लोग और वे कोशिका द्रव्य में वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूण कोष को हम लोग केंद्रीय भ्रूण कोष कहते हैं। आइए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। जैसे यह हम लोगों का होगा केंद्रीय भ्रूण कोष का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हो गया इसका सेंटर। यह मुक्त रूप से ढेर सारे सेंटर में परिवर्तित हो जाएगा, ढेर सारे सेंटर का निर्माण कर देगा, ढेर सारे केंद्रक का निर्माण कर देगा, यह इसका मेन है। इसके पश्चात यह म्यूटेशन की वजह से इतने सारे केंद्रक का निर्माण कर दिया, लेकिन गाइस इसके चारों तरफ किसी प्रकार का भी कोई आवरण नहीं है, इसके चारों तरफ किसी प्रकार का भी कोई आवरण नहीं है। और ये हम लोगों का ऐसे कोशिका द्रव्य होता है, यह हम लोगों का कोशिका द्रव्य है, यह ऐसे कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं। यह हम लोगों का कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और यह है मल्टी न्यूक्लिएट। गाइस जो हम लोगों का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, हम लोगों का जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसमें इसका केंद्रक ढेर सारे केंद्रक में विभाजित हो जाते हैं,
ढेर सारे केंद्र में विभाजित हो जाते हैं। विभाजित होने के पश्चात इनके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता है, ये कोशिका द्रव्य वैसे ही पड़े रहते हैं, तो हम लोग इसे केंद्रीय भ्रूणकोश कहते हैं। तो इस ये जो प्रक्रम होता है इसे हम लोग काइनो, इसे हम लोग कैरिनोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरिनोकाइनेसिस। जो यह पूरा प्रक्रम होता है इसे हम लोग कैरिनोकाइनेसिस बोलते हैं, इसे हम लोग कैरिनोकाइनेसिस बोलते हैं। गाइस एक बार फिर से, यह हम लोगों का जो केंद्रीय भ्रूणकोश है इसका केंद्रक मुक्त रूप से ढेर सारे केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसके चारों तरफ किसी प्रकार का भी कोई आवरण नहीं होता है, ये कोशिका द्रव्य में वैसे ही पड़े रहते हैं। इस कारण इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैरिनोकाइनेसिस बोलते हैं। अब जो हम लोगों का दूसरा है वह है सेलुलर एंडोस्पर्म, गाइज सेलुलर एंडोस्पर्म कोशिकीय भ्रूणपोष वह भ्रूणपोष होता है जिसमें उसका केंद्रक मुक्त रूप से ढेर सारे केंद्रक में परिवर्तित हो जाता है। ढेर सारे केंद्रक में परिवर्तित होने के पश्चात उसके जो सारे केंद्रक होते हैं उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। एक बार फिर से, कोशिकीय भ्रूणपोष वह भ्रूणपोष होता है जिसमें उसका केंद्रक ढेर सारे केंद्रकों में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होने के पश्चात उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर देता है, तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम लोग कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। आइए इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए गाइस ये हम लोगों का सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया और यह है इसका केंद्रक, इसका केंद्रक ढेर सारे केंद्रकों में मुक्त रूप से विभाजित हो गया, या ढेर सारे केंद्रक हो गए इसके चारों तरफ, लेकिन यह इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, और जो हम लोगों का केंद्रीय भ्रूणपोष होता है उसमें यह भी विभाजित होता है लेकिन इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। गाइज इसका जो केंद्रक है यह ढेर सारे केंद्रकों में बटा है, लेकिन इसके केंद्रक के चारों तरफ जो है कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है जिसके कारण यह इससे अलग हो गया है, तो इसलिए हम इसको कोशिकीय भ्रूणपोष कहेंगे। कोशिकीय भ्रूणपोष में इस कोशिकीय भ्रूणपोष में जो भी केंद्रक होते हैं उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और यह है हम लोगों का कोशिका भित्ति का आवरण, कोशिका भित्ति का आवरण। यह हम लोगों का कोशिका भित्ति का आवरण। गाइस जो हम लोगों का सेलुलर एंडोस्पर्म होता है इसका केंद्रक ढेर सारे केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, विभाजित होने के पश्चात उसका केंद्रक अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, इस प्रक्रम को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब हम लोगों का जो तीसरा है वह है हिलोबियल भ्रूणपोष, हिलोबियल एंडोस्पर्म। आइए गाइस जब हम लोग इसका भी चित्र बनाकर समझते हैं। हिलोबियल भ्रूणपोष वह भ्रूणपोष होता है जिसमें केंद्रीय भ्रूणपोष वह कोशिकीय भ्रूणपोष, दोनों का स्टेज, दोनों की अवस्था समाहित होती है, उसे हम लोग हिलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। जब यह हिलोबियल भ्रूणपोष
पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं होता है, तो जो इसका केंद्रक होता है यह भी ढेर सारे केंद्रक में विभाजित होता है, यह ढेर सारे केंद्रक में विभाजित हो गया, ढेर सारे केंद्रक में विभाजित हो गया, यह भी परिपक्व नहीं है। जब यह परिपक्व हो जाएगा, जब यह परिपक्व हो जाएगा तो जो इसका केंद्रक है, जितने सारे केंद्रकों का यह विभाजित विभाजन किया रहेगा, यह उसके चारों तरफ कोशाभित्ति का आवरण बना रहेगा। जो इसके विभाजित केंद्रक होते हैं, जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तो इसके चारों तरफ कोशाभित्ति का आवरण बन जाता है, और जब यह आवरण नहीं बना रहता है तब यह अपरिपक्व की अवस्था में रहता है, तब यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इसके जो केंद्रक होते हैं इसके चारों तरफ कोशाभित्ति का आवरण पाया जाता है, और जब यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है इसका केंद्रक, तो इसे हम लोग बोलते हैं कैरिनोकाइनेसिस, कैरिनोकाइनेसिस। और जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब हम लोग इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। गाइस देखिए, कैरियोकाइनेसिस वाला स्टेज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में पाया गया, और जो साइटोकाइनेसिस का स्टेज है वह सेलुलर एंडोस्पर्म में पाया गया। तो यह जो हिलोवियल एंडोस्पर्म होता है, हिलोवियल भ्रूणकोश होता है, इसमें कोशिकीय भ्रूण, केंद्रीय भ्रूणकोश व कोशिकीय भ्रूणकोश दोनों की अवस्थाएं विद्यमान रहती हैं। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का पहला भ्रूणकोश, जो निषेचन के पश्चात कैसे वह भ्रूणकोश में परिवर्तित होता है, भ्रूणकोश में परिवर्तक होने के लिए क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या क्या परिवर्तन होता है, यह हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोगों का जो दूसरा है वह है भ्रूण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो, गाइस जो हम लोगों का दूसरा है वह है भ्रूण, वह है भ्रूण एम्ब्रियो। हम लोगों का जो दूसरा है वह है भ्रूण एम्ब्रियो। भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, जब मेल गैमेट एक सेल से फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, इसके पश्चात जायगोट बनता है, यह जायगोट वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण जब हम लोगों का फर्टिलाइजेशन की क्रिया में, जो हम लोगों का मेल गैमेट एक सेल से फर्टिलाइज की क्रिया किया तो जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट की पोलरिटी 2N होती है, फिर जायगोट यह वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर देता है। फिर जब यह भ्रूण का वृद्धि करता है तो भ्रूण से सीड का निर्माण हो जाता है। तो गाइस हम लोगों का भ्रूण है, भ्रूण जब नर युग्मक अंड कोशिका से फर्टिलाइज की क्रिया करता है तो जायगोट का निर्माण होता है, या जायगोट आगे वृद्धि व विकास करके भ्रूण का निर्माण कर देता है। गाइस हम लोगों का हो गया भ्रूण। अब भ्रूण में जो हम लोगों का जो भ्रूण होता है यह कई प्रकार के होते हैं, आइए हम लोग उसे लिखते हैं। पहला है हम लोगों का प्रागुड़ से हम लोगों का बनेगा गोलाकार भ्रूण। फिर गोलाकार भ्रूण से हम लोगों का बनेगा हृदयाकार भ्रूण। फिर हृदयाकार भ्रूण से हम लोगों का आ जाता है परिपक्व भ्रूण, मैच्योर एंडोस्पर्म, परिपक्व भ्रूण।
गाइस ये हम लोगों का भ्रूण का सेल स्टेज होता है, पहले प्राग भ्रूण बनता है, फिर इसके बाद गोलाकार भ्रूण, फिर यह विकसित होकर के हृदयाकार भ्रूण का आकार लेता है, फिर यह विकसित होकर परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है, या परिपक्व भ्रूण तब जाकर सीड का निर्माण करता है। गाइस जब हम लोगों का ये हो गया भ्रूण, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचन की क्रिया करता है तो निषेचन की क्रिया के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, फिर इसके पश्चात यह वृद्धि व विकास करके भ्रूण का निर्माण कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग इस प्रक्रिया से हम लोग यह जान गए कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। इसके पश्चात हम लोगों का जो तीसरा टॉपिक है वह बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन है। तो गाइस आइए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा जो गाइस हम लोगों का तीसरा है, बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन, बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन। तो गाइस बीज का निर्माण, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बीज का निर्माण होता है वह बीजांड से होता है। तो जो बीज का निर्माण होगा तो बीजांड से होगा, तो बीजांड में जो परिवर्तन होगा आइए हम लोग उसे पढ़ते हैं। तो हम पहले बीजांड के सारे जो भाग होते हैं उसके बारे में लिख दें, फिर जो चेंजेज होगा, जो परिवर्तन होगा उसे लिख देते हैं। पहले हम लोग लिख देते हैं बाह्य आवरण, बीजांड में बाह्य आवरण होता है, बीजांड में बाह्य आवरण होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, जो यह होता है यह है बाह्य कवच, यह बाह्य कवच बीज के बाह्य कवच में परिवर्तित हो जाता है, यह बीज के बाह्य कवच में जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट्रम। फिर इसके पश्चात जो इसका अंत आवरण होता है, अंत आवरण इसे हम लोग बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, यह जो होता है यह अंतः कवच में परिवर्तित हो जाता है, अंतः कवच में, अंतः कवच जिसे हम लोग टेगमेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग टेगमेंट बोलते हैं अंतः कवच। फिर इसके बाद हम लोगों का इसमें तीसरा आता है जो होता है बीजांड काय, न्यूक्लियस, बीजांड काय जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो गाइस जो हम लोगों का न्यूक्लियस होता है यह या तो सूख कर झड़ जाता है या तो पेरिस्पर्म के रूप में बचा रहता है, पेरिस्पर्म, या तो यह सूख कर झड़ जाता है या तो पेरिस्पर्म के रूप में बचा रहता है, पेरिस्पर्म। फिर इसके पश्चात गाय जो हम लोगों का डी वाला है, जो हम लोगों का डी वाला है वह है बीजांड द्वार, वह है बीजांड, जो हम लोगों का है वह है बीजांड द्वार जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। गाइस यह बीज के ऊपर होता है, जब बीज जहां से अंकुरित होता है वहीं पर यह बीजांड द्वार होता है। तो आइए बीजांड द्वार जो होता है यह इसमें कुछ चेंज नहीं होता, यह उसी में ही रहता है, बीजांड द्वार जो रहता है वह माइक्रोपाइल में ही रहता है। फिर इसके पश्चात हम लोगों का जो अगला आता है ई, इसमें आता है हाइलम, हाई
हाइलम। गाइस यह जो हाइलम हम लोगों का होता है, यह जो हाइलम होता है यह वृंतक में परिवर्तित हो जाता है, यह वृंतक में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके पश्चात जो हम लोगों का फनिकल होता है, फनिकल, फनिकल जो हम लोगों का फनिकल होता है यह वृंत में परिवर्तित हो जाता है, यह वृंत में परिवर्तित हो जाता है, वृंत में परिवर्तित हो जाता है। गाय जो हम लोगों का फनिकल होता है वह वृंत में परिवर्तित हो जाता है, जो हम लोगों का हाइलम होता है वह वृंतक में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके पश्चात जो हम लोगों का ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, ध्रुवी कोशिकाएं, पोलर सेल, पोलर सेल जो हम लोगों का पोलर सेल होता है या पोलर सेल भ्रूण कोष, भ्रूण कोष, भ्रूण कोष में चेंज हो जाता है। फिर गाइस यह हम लोगों का हो गया पहला बाह्य आवरण, अंत आवरण, बीजांड का है, बीजांड द्वार, हाइलम, फनिकल, ध्रुवी कोश का। फिर इसके पश्चात हम लोगों का आता है भ्रूण कोष, भ्रूण कोष भ्रूण कोष गाइस भ्रूण कोष में पहला हम लोगों का होता है सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। फिर दूसरा होता है अंड कोशिका, अंड कोशिका। फिर तीसरा होता है प्रतिध्रुवी कोशिका, प्रतिध्रुवी कोशिका। गाइस जो सहायक कोशिका होता है इसे हम लोग बोलते हैं सिनर्गेटिक, सिनर्गिड्स, सिनर्गिड्स। और जो होता है अंड कोशिका इसे हम लोग बोलते हैं एग सेल। फिर इसके बाद जो होता है प्रतिध्रुवी कोशिका इसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोलर, एंटीपोलर सेल। तो गाइस जो हम लोगों का पहला होता है सहायक कोशिका यह नष्ट हो जाता है, यह नष्ट हो जाता है। जो हम लोगों का अंड कोशिका होता है यह भ्रूण कोष में परिवर्तित हो जाता है, भ्रूण कोष में परिवर्तित हो जाता है। और जो यह होता है यह भी नष्ट हो जाता है। गाइस यह हो गया हम लोगों का बीज निर्माण में होने वाले परिवर्तन। बीज का निर्माण बीजांड से होता है, तो बीजांड में इतने परिवर्तन होने के पश्चात बीज का निर्माण होता है। तो बीज का निर्माण या भ्रूणपोष है, या भ्रूणपोष आगे चलकर जब यह मैच्योर हो जाता है तब यह बीज का निर्माण करता है। और बीज, बीज क्या होता है, बीज वह भ्रूण, बीज बीजांड से बना हुआ है अंतिम अवस्था होता है जो एक पौधे का निर्माण करता है, जिसकी रोपाई करने पर अपने उचित वातावरण में यह एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसमें ऑक्सिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है, इसमें ऑक्सिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है जो जड़ को जल की तरफ व पत्तियों को धूप की तरफ लेकर जाता है। तो गाइस आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों का बाह्य आवरण है या बाह्य कवच में परिवर्तित हो जाएगा, जो अंत आवरण है या अंत कवच में, जो बीजांड काय है वह पेरिस्पर में या तो नष्ट हो जाएगा, और जो बीजांड द्वार है यह बीज के ऊपर बना रहेगा।
और यह हाइलम है यह वृंतक में परिवर्तित हो जाएगा, जो फनिकल है वह वृंत में परिवर्तित हो जाएगा, जो ध्रुवीय कोशिकाएं हैं वह भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाएगा, या भ्रूणपोष आगे में चोर अवस्था में बीज में परिवर्तित हो जाएगा। और भ्रूणकोष जो होता है इसके तीन भाग होते हैं, पहला सहायक कोशिका सिनर्जिटिक सेल या तो नष्ट हो जाएंगे, और जो दूसरा अंडकोशिका एक सेल ये भ्रूणपोष का निर्माण करेंगे, और जो तीसरा प्रतिध्रुवी कोशिका एंटीपोलर सेल ये भी नष्ट हो जाएंगे। तो गाइस इसमें भ्रूणकोष बना, भ्रूणकोष से बीज का निर्माण हुआ। अब जो हम लोगों का चौथा टॉपिक है वह है पुष्प से फल का निर्माण। गाइस ये सब घटनाएं निषेचन पश्च हैं। तो आइए पहले हम लोग पुष्प के भाग को लिख लेते हैं। पुष्प के भाग होते हैं बाह्य दल, दल, पुंज, पुमंग, जायांग। बाह्य दल ये हम लोगों का है अब चौथा पुष्प से फल का निर्माण। तो बाह्य दल इसमें पहला है बाह्य दल, बाह्य दल जिसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। फिर दूसरा है दल पुंज, दल पुंज जिसे हम लोग कोरोला बोलते हैं, को रोला। और जो हम लोगों का तीसरा है वह है पुमंग, जो तीसरा है हम लोगों का वह है पुमंग जिसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रो एंड्रोसियम एंड्रोसियम। और जो हम लोगों का चौथा होता है वह है जायांग, वह है जायांग जिसको हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। गाय जिसे हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। यह पुष्प से फल निर्माण में होने वाले परिवर्तन। तो पहला है हम लोगों का बाह्य दल, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है पुमंग, चौथा है जायांग। तो आइए अब हम लोग इसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोगों का बाह्य दल है यह तो झड़कर नष्ट हो जाएगा, जो बाह्य दल है यह नष्ट हो जाएगा। और जो हम लोगों का दूसरा है, जो दूसरा है दल पुंज, जो है दूसरा दल पुंज यह भी नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो हम लोगों का सी है पुमंग, जो हम लोगों का पुमंग है, जो हम लोगों का पुमंग है यह भी सूख कर नष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हम लोगों का यह जायांग आता है, जायांग में तीन भाग आते हैं। आइए हम लोग इसे लिख लें, जायांग के तीन भाग हैं। पहला वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। फिर इसके पश्चात जो हम लोगों का दूसरा है वह है अंडाशय भित्ति, वह है अंडाशय भित्ति। फिर जो तीसरा है वह है बीजांड, अंडाशय भित्त। फिर तीसरा है बीजांड। इसमें क्या चेंजेज हो गए आइए देखते हैं। जो यह हम लोगों का स्टिग्मा एंड स्टाइल है, स्टाइल एंड स्टिग्मा है, यह तो सूख कर नष्ट हो जाएगा, इसमें यह भी नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो हम लोगों का अंडाशय भित्ति है, अंडाशय भित्ति जो होता है यह फल भित्ति का निर्माण करता है। अंडाशय भित्ति जो हम लोग फल में खाते हैं, जो खाने योग्य होता है वह हमारा अंडाशय भित्ति से बनता है। तो अंडाशय भित्ति हम लोगों का फल भित्ति बनाएगा, अंडाशय भित्ति हम लोगों का फल, अंडाशय भित्ति हम लोगों का फल भित्ति बनाएगा। फिर इसके पश्चात जो हम लोगों का बीजांड है, बीजांड बीज बनाएगा, बीजांड हम लोगों का बीज बनाएगा। गाइस यह हो गया हम लोगों का पुष्प से फल के निर्माण में होने वाले परिवर्तन। और यह आता है निषेचन पश्च घटना एवं संरचनाएं में। जो हम लोगों का पहला होता है बाह्य दल, यह बाह्य दल नष्ट हो जाता है। दूसरा जो होता है दलपुंज, यह दलपुंज भी नष्ट हो जाता है। फिर तीसरा पुमंग, पुमंग भी नष्ट हो जाता है। चौथा जायांग, जायांग के तीन भाग होते हैं। जो इसमें पहला होता है
वर्तिका तथा वर्तिकाग्र, स्टाइल तथा स्टिग्मा, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जो दूसरा है अंडाशय वित्ति, या भी नष्ट हो जा, या नहीं, अंडाशय वित्त फल वित्ति का निर्माण करता है। फिर इसके पश्चात जो बीजांड होता है या बीज का निर्माण करता है। तो गाइस अब हम लोगों का यह पूरा हो गया निषेचन फर्स्ट घटना है। इसमें मैंने आपको भ्रूणपोष के बारे में बताया। भ्रूणपोष के तीन भाग थे, कोश के भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष, इलोबियल भ्रूणपोष, फिर भ्रूण के बारे में बताया। फिर इसके बाद बीज के निर्माण में होने वाले परिवर्तन, यहाँ पर बीजांड से बीज जब बनता है तो बीजांड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं मैंने आपको ये बताया। फिर आ गया पुष्प से फल का निर्माण में परिवर्तन, मैंने पुष्प से फल के निर्माण में परिवर्तन को आप सबको बता दिया। तो गाइस अब आज की क्लास बस यहीं तक। फिर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।